व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एंड आ न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं आपके साथ हूँ अपने स्विमिंग ग्लासेस के साथ, और आज हम बात करने वाले अपनी मेरी एक नई स्किल जो मैंने अभी एक्वायर करी है और जो नई चीज़ मैंने सीखी है वो है स्विमिंग। और क्यों मैं बात करने वाला हूँ, क्यों बताने वाला हूँ आज कि स्विमिंग सभी लोगों को आनी चाहिए, एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी लाइफ सेविंग स्किल है। इसके अलावा क्यों, जब मैं यूरोप गया तो मुझे लगा कि मुझे स्विमिंग क्यों नहीं आती, और उसका रीज़न मुझे लगा कि यार मुझे स्विमिंग सीखनी चाहिए। और उसके बाद मैंने स्विमिंग सीखी, और मैंने क्या क्या सीखा स्विमिंग से, और क्यों मुझे लगता है कि ये स्विमिंग आप सभी को आनी चाहिए, और ज़िंदगी भर अगर आप स्विमिंग करते रहेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे और हमेशा चमकते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और कैसे आप बहुत आसानी से अगर आप चाहो तो स्विमिंग सीख सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर आप पूरी स्विमिंग सीख लोगे। आपको सिर्फ चाहिए एक विल और करेज कि आप जाओ और सीखो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। व्हाट्सअप गाइज वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं स्विमिंग के बारे में, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट की है स्विमिंग और ऑलमोस्ट मेरे को हो गए 25 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 25 से 26 दिन हो चुके हैं, और मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि नाउ आई नो स्विमिंग, और मैं फ्रंट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक दोनों मार सकता हूँ, और मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, और मैं डूबूंगा नहीं। और मैं इवन जिसको कहते हैं साइकिलिंग, जो कि आई डोंट नो एग्जैक्ट वर्ड साइकिलिंग ही कहते हैं उसको, पर बेसिकली क्या होता है कि आप जहाँ भी एक ही जगह पे अंदर ही अंदर आप पैडल करते आते हो, और आप अपने मुंडी को अपने सर को सरफेस के अबव रखे रहते हो, तो आप एक ही जगह रुक के भी बहुत देर तक अपने आप को होल्ड कर सकते हो ज़्यादा एफर्ट ना लगा के। तो उसको कहते हैं स्विमिंग, उसको कहते हैं साइकिलिंग। तो वो भी मैं सीख चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कि क्यों मुझे लगा कि स्विमिंग हमें सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी आप यूरोप जाओगे आप देखोगे कि हर बंदा, हर बच्चा वहाँ, बच्चा बूढ़ा जवान, हर आदमी स्विमिंग कर रहा है वहाँ, हर किसी को स्विमिंग आती है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप अपने आप को सिर्फ एक ऐसा देखोगे जैसे वाइट काउज में एक ब्लैक काउ खड़ी है अकेले, और वो भी बेचारे कोने में सहमी से डरी से। क्योंकि जब भी मैं लेक जाता था, मुझे याद है, तो मुझे थोड़ी बहुत तो आती थी, पर तब भी आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, तो मैं ज़्यादा डीप में जाता था, और साइड में हम लोग बस ऐसी मज़े करते रहते थे, नहाते खाते रहते थे। बट मैंने देखा वहाँ के जो लैथवियंस हैं और जो बाहर के लोग हैं, सारे यूरोपियंस, मैंने देखा वो ज़रूर अंदर डुबकी मारते हैं, दूर तक जाते हैं स्विमिंग करते हुए वापस आते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हो या पतले हो, आपका बॉडी फैट कंटेंट कितना ज़्यादा है कितना कम है, अगर आपको स्विमिंग आती है वो एक स्किल पर डिपेंड करता है। अगर वो आपको स्किल आ गई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मोटे हो कितने पतले हो, आपको आ गई तो आ गई, फिर आप फिर इसमें इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक लगातार स्विमिंग कर सकते हो। अगर आप आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर एंड्योरेंस क्रिएट हो जाता है विद प्रैक्टिस, तो आप ज़्यादा देर तक स्विमिंग कर सकते हो। तो भाई एक सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मैं जब बाहर गया तो मुझे लगा कि हर बच्चा यहाँ स्विमिंग कर रहा है, और हम कोने में खड़े होकर गधे की तरह बस उनको देखते रहते हो, निहारते रहते हो। जब बड़ी शर्म सी आती जब छोटे छोटे बच्चे कूद के जाते ना आपके सामने स्विमिंग करने, और आप बैठे रहते हो कोने में, बड़ा बुरा लगता है। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आप बाहर ट्रैवल करने वाले हो या इंडिया के बाहर कहीं भी ट्रैवल करने वाले हो, स्विमिंग इज़ वन सच स्किल आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो स्विमिंग से आप, अगर आप सबको स्विमिंग आ गई तो आप इन्जॉय कर पाओगे ज़्यादा बेटर तरीके से उन लोगों के साथ और उन लोगों के स्पोर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स लातविया में, इवन यूरोपियन सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हैं जो कि आप इन्जॉय कर सकते हो ओनली अगर आपको स्विमिंग आती है, क्योंकि वो फिर आपको पानी में उतरने ही नहीं देते, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको मज़े करने हैं यूरोप में और अपनी अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो भाई स्विमिंग तो आपको आनी ही चाहिए। तो आप इंडिया से स्विमिंग सीख के जाओ, क्योंकि वहाँ स्विमिंग सीखना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है कि हमने एक कोच हायर किया था, और हमने उससे बात की थी कि यार हमें आप एक दिन, तो उसने कहा था एक दिन का लेसन करीब, उसने कहा था 20 यूरोज। हाँ 20 यूरोज, यस 20 यूरोज उसने मांगे थे एक दिन का लेसन, मतलब कि 2000 रुपये का। इनफैक्ट जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी स्विमिंग पूल में, हमें 4500 रुपये देता हूँ मैं, और पूरे महीने भर स्विमिंग करता हूँ। तो आप ये सोचो, आपको सिर्फ एक घंटे का लेसन ही देने के लिए वो आपसे 2000 रुपये के आसपास ले लेगा, एक लेसन में आप सीखने वाले भी नहीं हो, राइट। तो आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आप इंडिया से सीख के जाओ। और अब हम बात करने वाले हैं इस बारे में
कि स्विमिंग आप कैसे कैसे धीरे धीरे सीखोगे, और व्हाट आई हैव लर्न व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग, कैसे मुझे धीरे 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 स्विमिंग आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। तो जब हम बिगिन करेंगे ना भाई, जब भी आप बिगिन करोगे स्विम करना और जब भी आप पानी में जाओगे, तो सबसे पहले आपको लगेगा कि यार आपकी बॉडी सिंक हो रही है, बॉडी आपकी डूब रही है नीचे, और आप ऊपर फ्लोट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पानी की सतह पर रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। पर होता क्या है कि आपको, आपका जो कोच होगा वो भी आपको सिखाएगा कि यार भाई हाथ चलाओ, ऐसे पैर चलाओ, पैर चलाने की प्रैक्टिस करो। आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। मैंने स्टार्टिंग में बड़ा मैं फ्रस्ट्रेट होता था, 2-3 दिन में बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ कि मैं इतने पैर चला रहा हूँ तब भी मेरी बॉडी सिंकिंग क्यों हो रही है। पर होता है क्या है कि जब भी आप स्विमिंग करते हो तो धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि धीरे धीरे ना आपकी बॉडी, आपके पैर और आपके हाथ उसकी पानी की डेंसिटी पकड़ने लगते हैं। सॉरी वन सेकेंड, हम लोग ना पानी की डेंसिटी पकड़ने लगते हैं, हमारा हाथ पानी का जो घनापन है, जो डेंसनेस है पानी की, वो हम फील करने लगते हैं। और एक बार अगर आपको वो हाथ में आने लगा पकड़ कि वो पानी को आप फील कर पाओ, पानी की डेंसिटी फील कर पाओ, तो आप उसको आराम से प्यार से पुश करके अपने आप को ऊपर, बॉडी को अपने ऊपर रख सकते हो सतह पर। और वही सारा खेल है स्विमिंग का कि अगर आप अपनी बॉडी को सतह पर रख सकते हो, मतलब आपको स्विमिंग आ गई। आपके हाथ चलाने का तरीका, वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, क्योंकि वो तो एक तरीके से पानी काटने का तरीका होता है। जब हम हाथ फ्रंट स्ट्रोक मारते हैं, बैक स्ट्रोक मारते हैं, तो सारा पानी काटने का तरीका है कि आप कितनी जल्दी आगे बढ़ते हो, कितनी जल्दी बैक स्ट्रोक में जाते हो तो पीछे जाते हो। बट वो सारा आगे व पीछे बढ़ने का तरीका है। मेजॉरिटी जो आपका काम है स्विमिंग सीखते वक्त, वो है आपका सतह पे बने रहना, और वही सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप सतह पे नहीं बने रहे और आप सिंक कर गए, तो आपके पानी जाएगा नाक में और आप घबरा जाओगे। ये जो घबराहट जो पानी के अंदर होती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और उसके वजह से ही हम घबरा कर पानी पी जाते हैं, या पानी नाक में चला जाता है और हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो हमें कोशिश यही करना है कि बस हमें एक बार सतह पर रहने का तरीका समझ आ जाए। अब मैंने देखा कि मोटे लोग बड़े आसानी से स्विमिंग कर लेते हैं, जो थोड़े से ज़्यादा मस्कुलर है वो, उनको प्रॉब्लम आती है स्विमिंग करने में। पर जब मैंने इसका रीज़न देखा, तो बात ये है कि रीज़न इसका ये है कि जो मसल होता है वो ज़्यादा थिक होता है और ज़्यादा डेंस होता है। तो अगर आप जैसे कि कोई भारी पत्थर फेंकोगे, वो डेंस होगा और वो पानी में चला जाएगा। और जो फैट होता है वो ज़्यादा लाइट वेट होता है, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करता है फ्लोट करने में। इसलिए मोटे लोगों के लिए या जो थोड़े से हेल्दी है, उनके लिए बहुत आसान होता है फ्लोट करना पानी में, और बहुत जल्दी सिंक नहीं होता। दूसरा एक बड़ा तरीका इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको पानी में फ्लोट करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आप एक तरीके से अपने आप को बैलून बना लेते हो और हवा अंदर ले लेते हो। जब आपके फेफड़े फूल जाते हैं, लंग्स जो फूल जाते हैं, तो लंग्स में जब हवा पानी हो जाता है, तो अपनी आप, और अगर आप नाक अपने फेफड़ों में पानी भर लो, सॉरी हवा भर लो, पानी मत भरना, घबरा जाओगे, हवा भर लो अगर फेफड़ों में, और नाक बंद कर लो, और अगर आप सिर्फ ऐसी कोशिश करो कि आप लेटे रहो, तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी बॉडी अपने आप ही सतह पे आ जाती है, क्योंकि आप एक तरीके से बलून की तरह काम करते हो। और बलून क्या होता है, ऑब्वियसली इट विल कम अप। तो ये बड़ी टेक्निक ट्रिक्स है जो मैं स्विमिंग करते करते सीखी और समझी, और मैंने जब मैं स्विमिंग सीख रहा था तो मैंने स्टडी करता गया इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें 3-4 दिन बाद 4-5 दिन बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब आप स्विमिंग करते रहोगे, कि आपको थोड़ा थोड़ा हाथ पकड़ में आने लगा, पानी पकड़ में आने लगा, और जब आप अपने स्ट्रोक्स पे जब आप आराम से कर पाओगे स्विमिंग, उसके बाद आप देखोगे कि आप तैर पा रहे हो, आप वहाँ रुक पा रहे हो ऊपर सतह पे, और फिर आप अपने स्ट्रोक्स पे ज़्यादा शार्पनेस के साथ, ज़्यादा क्वालिटी स्ट्रोक्स मार के आगे बढ़ सकते हो, और अपने पानी काट के आगे स्पीड में जा सकते हो। तो मेरी वो रहेगी कि आप सभी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि भाई सब लोग स्विमिंग सीखो। और मैंने ये स्विमिंग जब मुझे अब स्विमिंग आ गई, और मुझे इतना हैक इस स्विमिंग का हो गया है कि मुझे लगता है कि मैं कब जाऊँ, शाम को मेरा टाइम हो गया, मैं स्विमिंग करने जाऊँ। क्योंकि उससे एक तो आपकी एंड्योरेंस बढ़ता है, आपकी आपके सारे मसल्स वर्कआउट होते हैं, आप बहुत ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। मैं 2 लैप मारने के बाद हाँफता हूँ बुरी तरीके से, जैसे मैंने 5 किलोमीटर दौड़ लगा लियो लगातार बिना रुके। तो 3-4 तो मैं मार लेता हूँ, पर 5 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 5-6 किलोमीटर मैंने लगातार दौड़ लगा ली बिना रुके, ऐसा लगता है जब आप जब मैं दो लैप मार लेता हूँ, तो उससे आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप ओवरऑल फिट रहोगे।
और जब भी आप कहीं भी जाओगे, किसी भी होटल जाओगे, कहीं भी बाहर अब्रॉड कहीं भी ट्रैवल करोगे यूरोप में, तो आप आराम से स्विमिंग के भी मज़े ले पाओगे, उनके साथ वाटर स्पोर्ट्स का एंजॉय कर पाओगे, तो आपको एम्बेरसमेंट नहीं होगी जब आपको लगेगा कि बगल से गोरा सा बच्चा आया कूद के फर निकल गया और आप कोने में बैठ के बस हाथ ही मलते रह गए, तो आपको वो एम्बेरसमेंट नहीं होगी। तो मेरे भाई इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आपको इससे इंस्पिरेशन मिले आपको भी स्विमिंग सीखने की। और एक और चीज़ है, ये ना बहुत लॉन्ग अवेटेड था, क्योंकि मैं बहुत सालों से डूबने से बड़ा डरता था पानी से, स्पेशली पानी की डेप्थ से, कि मैं डूब ना जाऊँ, और उसकी वजह से एक डर है जो आप उसको कॉन्कर नहीं कर पाते हो। और फिर मैंने अब ये डिसाइड किया दैट आई विल गो और मैं उसको निकाल के रहूँगा उस डर को। और जब मैंने लगातार 25 दिन तक अब लगातार मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं डरता कम हूँ। डर अभी भी रहेगा क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम से बहुत बचपन से अनरूटेड है, पर धीरे धीरे और जैसे जैसे मैं और एफिशिएंटली स्विमिंग करूँगा और मेरा डर वो ख़त्म हो जाएगा। और आई होप आपका भी अगर ये स्विमिंग को लेकर डर है तो भाई जल्दी से जल्दी इसको दूर कर दो। कोई सवाल हो आपको तो ज़रूर मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, आई विल लाइक टू हेल्प यू, क्योंकि मेरी भी ये जर्नी है स्विमिंग की जो अब स्टार्ट हुई है और मैं अब धीरे धीरे से सीख रहा हूँ कैसे बैक स्ट्रोक मारना है, कैसे फ्रंट स्ट्रोक मारना है और कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है स्विमिंग में, और कैसे अपने आप को ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं हम ओनली बाय स्विमिंग 1 आवर अ डे। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words.